ये करते हैं कि पहले इसकी जरूरत क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है इसकी जरूरत। तो मैं आपको बताता हूं इस रूट की क्यों जरूरत पड़ी। तो पहले जैसे जब हम लॉग पढ़ते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, तो जिस दिन रूट पढ़ा तब ये सोचा कि रूट की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये सोचना पड़ा कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे टू आता है, किस नंबर का स्क्वायर करने पे टू आता है। तो जो नंबर्स जब तक आप रूट नहीं जानते थे तब तक कोई ऐसा नंबर था ही नहीं। ये पक्का था कि होता है, ये पक्का था कोई ना कोई होता है, पर लिखें कैसे ये नहीं पता था। बोलो, तो इसलिए रूट की जरूरत पड़ी। क्यूब रूट क्यों पड़ी जरूरत? तो हमें जैसे ये सोचना था कि किस नंबर का क्यूब करें कि वो 8 हो जाए तो 2, हम तो सीधे बोलते थे 2, किस नंबर का क्यूब करें कि वो 7 हो जाए। तो जब तक हमने क्यूब रूट नहीं जाना था तब तक हमको पता ही नहीं था कि किसका क्यूब करें तो 7 आता है। आई बात समझ में? इसलिए इनकी जरूरत पड़ी। तो वैसे ही अगर 2 to the power x 4 है तो x कितना है? 2। पर अगर 2 to the power x 5 है तो जब तक log नहीं पड़ा तब तक पता ही नहीं था कौन सा नंबर है जिससे 2 to the power x 5 हो जाता है। जल्दी बोलो। इसीलिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती। जब तक हमने log नहीं पढ़ा तब तक हमें नहीं पता था कि 2 to the power x किस x के लिए 5 होता है। होता है, ये पता था। बोलो, होता है, क्योंकि 2 to the power 2 4 होता है, 2 to the power 3 क्या होता है? 8। तो हमें ये पता था कि नंबर 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में है, पर क्या है ये नहीं लिख पाएंगे। क्या लिखोगे? नहीं लिख पाएंगे। ये पता था कि जो 2 का रूट है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, पर क्या था ये नहीं पर लिख पाए। तो नई चीज लाई गई रूट, क्या लाई गई? रूट, ताकि रूट 2 लिख दिया जाए। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा दिमाग बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए रूट 2 भी एक नंबर है। क्या है? रूट 2 एक नंबर है। पाई क्या है? नंबर है। तो आगे से हम लॉग लिखेंगे तो हम बहुत क्लियरली दिमाग में एक सेट हो जाए हमारे लिए कि वो भी एक नंबर है। तो हमने बोला कि अगर इसको सेटिस्फाई करने वाला वो नंबर है तो वो कौन है? कोई है, लेकिन लिखने का तरीका तो बताना पड़ेगा। किसका स्क्वायर करें 2 आ जाए, किसका करें स्क्वायर तो 2 आ जाए। तो रूट 2 कैसे लिखेंगे? तो नहीं लिख सकते थे 1.414, और वो इरेशनल क्वांटिटी थी। कैसी? इरेशनल। इसलिए उसका एक छोटा तरीका बनाएगा लिखने का, रूट 2। वैसे ही 2 to the power x 5 होगा, कोई इरेशनल नंबर है तो मैं लिखूं कैसे? तो क्या लाए गए? लॉग लाए गए। क्या लाए गए? लॉग लाए गए। और लॉग की मदद से उन नंबर को लिखा गया, तो उस नंबर को बोला गया लॉग 5 विद बेस 2। क्या बोला गया? लॉग 5 विद बेस 2। तो जितना हमारे लिए 2 एक आसान सा नंबर है ना, उतना ही आसान सा नंबर हमारे लिए log 5 विद बेस 2 होना चाहिए। हम उसको अलग नजरों से ना देखें, पता नहीं क्या ये, ऐसा नहीं, उसके लिए भी वही फील आना चाहिए कि इट इज सिंपली अ नंबर। और आज तो मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है जो 2 की पावर में चढ़ के उसको 5 बना देता है। किसी बुक में ये नहीं लिखा रहता कि ये कौन सा नंबर है, आपको समझ में ही नहीं आता कि ये नंबर है कौन सा। अब तो कितना आसान है सोचना, ये वो नंबर है विच व्हेन रेज्ड टू द पावर ऑफ 2 मेक्स इट 5। खत्म। बोलो, हमने लिखा log 3 विद बेस 7, ये कौन सा नंबर है जो 7 की पावर में जाके उसको 3 बना दे, मतलब ये 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। बोलो, आई बात समझ में? क्योंकि 7 टू द पावर 0 1 होता है। बोलो,
और 7 to the power 1 7 होता है, और 3 उन दोनों के बीच में, तो ये नंबर किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो लॉग को बिल्कुल अलग तरीके से नहीं देखना, उसको बिल्कुल उसी तरह से देखो जैसे आप 2 को देखते हो, 5 को देखते हो, और जैसे अब आप रूट 2 के लिए भी आदि हो चुके हो। तो लॉग इज अ नंबर, सिंपली अ नंबर। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक उसका आर्ग्यूमेंट और एक उसकी बेस, इसको क्या बोलते हैं बेस। जैसे ये क्या लिखा है, कौन सा रूट, किससे पता चला, कैसे कैसे पता चला स्क्वायर रूट है? तो ये किसने बोला कि कुछ लिखा है तो टू होता है, तो कन्वेंशन, वो तो हमने बना दिया कन्वेंशन। तो अगर मैं ये लिखता तो ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, कुछ ना लिखा रहे तो 10 लिखा रहे। फिर एक 10 बेस का लॉग बहुत कॉमन है, और दूसरा ई बेस का लॉग सबसे ज्यादा कॉमन है। कौन सा बेस का, ई, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं। तो उसका कन्वेंशन बनाया गया एल और एन लिखना। आप बोलोगे नेचुरल लॉग को तो एन एल लिखना चाहिए, पर लॉग का एल पहले आना चाहिए ना, लॉग का एल पहले आना चाहिए, तो उसको शॉर्ट में एल और एन। तो ये क्या लिखा, जैसे एल एन फाइव लिखा है, तो ये लिखा है लॉग फाइव विद बेस ई, लॉग फाइव विद बेस ई। तो ये कन्वेंशन बनाया गया कि बार 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 टेन ना लिखना पड़े, बार 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 ई ना लिखना पड़े, समझ गए। तो जैसे रूट के लिए कन्वेंशन बनाया कि कुछ ना लिखा है तो स्क्वायर रूट है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई कि लॉग क्यों पढ़ा गया, आई बात समझ में। तो बेसिकली एक नंबर को लिखने का तरीका है लॉग, मतलब लॉग इटसेल्फ इज अ नंबर। जैसे रूट की जरूरत पड़ी, क्यूब रूट की जरूरत पड़ी, वैसे ही लॉग की जरूरत पड़ी। अच्छा, अब जैसे कन्वेंट कुछ चीजें ऐसी थी, रूट ऑफ 5 डिफाइंड है, रूट ऑफ 0 डिफाइंड है, रूट ऑफ -2 रियल नंबर में डिफाइंड नहीं है। जैसे रूट के लिए कुछ नियम बनाए गए कि अंदर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वैसे लॉग के लिए भी कुछ नियम बने कि एक से नंबर है लॉग बी विद बेस ए, एक्स एक नंबर है लॉग बी विद बेस ए, तो 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसमें जेई में ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ये थी कि जो बेस होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब लॉग कभी भी नेगेटिव बेस या 0 बेस के लिए डिफाइंड नहीं होता। अगर बेस में कोई नेगेटिव नंबर आ गया या फिर 0 आ गया तो लॉग डिफाइंड नहीं होता, मतलब बेस पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन बेस पे लगाई गई कि 1 भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव तो हो पर 1 ना हो, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर किसको छोड़कर 1, 0.2, 0.5, रूट 2, 1/√2, 1/√100 सब ले लो, सिर्फ किसको नहीं ले सकते, 1 को नहीं ले सकते। तो क्या क्या बोला गया, पहले बेस के बाद बोली गई, क्या बोली गई बेस के बाद, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आर्ग्यूमेंट, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। Master Stroke for IIT JEE. क्या होना चाहिए, तो log of any number b is defined only when b is positive. आप -2 का लॉग नहीं ले सकते, -2 का लॉग नहीं ले सकते, 0 का लॉग नहीं ले सकते, 0.1 ले सकते, 0.00001 ले सकते, 0 से बड़े किसी भी नंबर का लॉग ले सकते हो, किसका नहीं ले सकते, 0 या 0 से छोटे का नहीं ले सकते, 1 का भी ले सकते, लॉग तो 1 का तो ले सकते, बेस में 1 नहीं आ सकता, बेस में 1 नहीं आ सकता, आई बात समझ में। तो
तीन कंडीशन इंपोज की गई लॉक पर। पहली, बोलते जाओ, और रात को अगर मैं रूम पे आया और कोई सो रहा उसको हिला दिया मैंने, उठो बताओ लॉक के लिए क्या कंडीशन है, तो क्या क्या बोलोगे फट। ये ऐसा, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन में भी हमारे दिमाग में ऐसी सेट हो जाना चाहिए। क्या बोलोगे, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, आप काउंट करना किसी दिन बैठ के 40 इयर्स में कि कितने क्वेश्चन में इस चीज का यूज आया। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कंडीशन, लॉक पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लॉक पे कोई क्वेश्चन पूछा, और 20% 15-20% पेपर में लॉक पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, पता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो बिना लॉक के आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे कैलकुलस, समझ गए ना। तो लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस 40% वेटेज रखता है जेई मैथ्स का, 40-45%, और उसका बहुत बड़ा वेटेज लॉक का, तो कई सारे क्वेश्चंस में लॉग के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, है ना। इसलिए लॉग एज अ चैप्टर कभी नहीं होगा कि लॉग पे क्वेश्चन आ रहा, आया है बहुत रेयर आया है, लेकिन लॉग का यूज करे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। मास्टर स्ट्रोक फॉर IIT JEE। समझ में आया, कंडीशंस क्या हैं लॉग बी विद बेस ए को डिफाइंड होने की, जल्दी बोलो। ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, और बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। और कैसा याद होना चाहिए भी समझा दिया मैंने आपको, है ना, मेरे को, मैं चाहता हूं वैसा ही याद हो। प्लीज ध्यान रखना, आप खुद पाओगे कि कितना काम आने वाला है। कल ही ड्रॉपर्स बैच में पढ़ा रहा था, तो मैंने अभी क्वेश्चन करवाए, तो 5 क्वेश्चन में एक ही दिन में 5 क्वेश्चन में हमने इस कंडीशन को यूज किया, एक ही दिन में 5 क्वेश्चन में इस कंडीशन को यूज किया हुआ है। तो इतनी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है कंडीशन, है ना। तो लिखो, 10 इफ, 10 इफ x equals to log b with base a greater than 0, a not equals to 1, b greater than 0, ये बार बार कुछ समय तक लिखेंगे ताकि याद हो जाए। Thus, if x equals to log b with base a, log b with base a, then क्या लिखूं, जल्दी बोलो, then, सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, a की पावर x is equals to b। तो अगर x ये नंबर है, तो ये वो नंबर है जो a की पावर में चढ़ के उसको b बना दे। कितना आसान है लॉग समझना, अगर ढंग से सोचा जाए तो कितना आसान है। रूट टू क्या है, तो ये वो नंबर है जो 2 की पावर, जो जिसका स्क्वायर करने पर 2 बन जाता है, ये वो नंबर है जो a की पावर में जाके b बन जाता है, खत्म, समझ गए, है ना। तो अगर ये लिखा है तो ये लिखना है, और ये लिखा है तो ये लिखा जा सकता है। तो यहां से यहां जाने को बोलते हैं टेकिंग लॉग, क्या लेना, लॉग लेना, क्योंकि यहां लॉग नहीं है और यहां क्या आ गया, लॉग। तो इसको क्या बोलते हैं, टेकिंग लॉग, और यहां से आने को बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग, रूट लेना और स्क्वायर रूट लेना, रूट लेना, रूट करना, स्क्वायर करना और स्क्वायर रूट लेना। गुरु, अरे स्क्वायर करते हो या फिर उसके बाद उल्टा क्या करते हो, स्क्वायर रूट लेते हो, क्यूब करते हो और फिर क्यूब रूट, लॉग लेना और एंटी लॉग। तो लॉग लेना मतलब लॉग लाना, और एंटी लॉग लेना मतलब लॉग हटाना। अगर मैंने बोला कि लॉग x with base 2, 3a, log x with base 2, 3a, तो x कितना होगा, 3 की पावर 2 के 2 की पावर 3, 8, क्या होगा, 8। हम कह रहे हैं 2 की पावर में क्या चढ़कर, मतलब 2 की पावर में
थ्री चढ़कर कब एक्स बनेगा, तो मतलब टू की पावर में थ्री चढ़कर एक्स क्या होगा, एट। ऐसे सोचो तो कितना आसान लगता है। टू की ये कौन सा नंबर होता है जल्दी, ये कौन सा नंबर होता है जो टू की पावर में चढ़ के एक्स बन जाए, तो ये कौन है थ्री, तो टू की पावर में थ्री चढ़ के एक्स बनना मतलब टू की पावर थ्री एट, तो एक्स कितना होना चाहिए एट। तो अगर एंटी लॉग लेना है तो इसकी पावर में ये, ना कि इसकी पावर में ये, ध्यान रखना। टू की पावर में थ्री आएगा, थ्री की पावर में टू नहीं आएगा गलती से। मैंने बोला लॉग रूट फाइव विद बेस एक्स, विद बेस एक्स अगर टू है तो टू की पावर एक्स रूट फाइव, टू की पावर एक्स रूट फाइव, बोलो। एक्स की पावर टू रूट फाइव होना, अभी समझाया फिर भी बोल दिया ये, इसकी पावर में ये ना कि इसकी पावर में ये, तो एक्स की पावर टू रूट फाइव होना चाहिए, मतलब एक्स प्लस माइनस फाइव फिफ्थ पाई की पावर वन बाय फोर होना चाहिए, फोर्थ रूट ऑफ फाइव, क्योंकि रूट है ना, तो और रूट लूंगा तो फाइव की पावर वन बाय, बट बेस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, बेस तो नेगेटिव, इसलिए माइनस वाला आंसर काट दिया। फिर कौन सा आंसर आएगा, प्लस वाला। आई बात समझ में? तो इसको ऐसा लिखना मतलब एंटी लॉग लेना, और इसको ऐसा लिखना मतलब लॉग लेना, ठीक है। क्या कहां तक लिखा, ये लिखा था, ये लिख लिया देन, है ना, एरो लगा के लिख लो, टेकिंग लॉग या शॉर्ट में लॉग, और यहां पर एंटी लॉग। लॉग एक्स विद बेस फाइव माइनस वन, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, लॉग माइनस वन ले नहीं सकता, दे तो सकता है, नहीं आया कि इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाए, हाँ, फाइव की पावर माइनस वन, तो एक्स कितना आ गया वन बाय फाइव, नहीं आया? क्या वो तुम्हें आया समझ में बेटा? क्या अगर log x विद बेस 5 कितना है माइनस वन, तो x कैसे निकालोगे, माइनस वन की पावर 5 की 5 की पावर माइनस वन, 5 की पावर माइनस वन, नहीं आया? इसकी पावर में ये चढ़ता है, बेस की पावर में x चढ़ता है, तो 5 की पावर माइनस वन मतलब 1 बाय फाइव, तो जब x 1 बाय फाइव डालोगे, क्या डालोगे x 1 बाय फाइव, तो log x से बेस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस, तो log x माइनस वैल्यू दे सकता है, हाँ, मतलब log नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ, log can be a नेगेटिव नंबर, पर नेगेटिव नंबर का log नहीं निकाला जा सकता, समझ गए? log can be जीरो, यस, यहां जीरो रखा, बोलो। तो log x विद बेस 5 कितना है जीरो, तो obviously x 1, क्योंकि 5 की पावर जीरो क्या होता है 1, x कितना नंबर है 1, that simple, समझे? है ना, तो ये मत गड़बड़ करना कि सर log तो नेगेटिव होता ही नहीं है, अरे log नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव का log नहीं निकाल सकते। log के साथ एक अच्छी बात बताऊं, log can be any number from माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। Masterstroke for IIT JEE. Log can be any number from minus infinity to infinity. Can log of a number be minus 10? Yes. 10,000? Yes. जो चाहे वो रख सकते हो, बना सकते हो log को, तो है ना? आई होप समझ गए डेफिनेशन सबको, आगे तो गलती नहीं होनी चाहिए, लिखो एंड सॉल्व। सिंपली मीन्स सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्लासरूम क्वेश्चन फॉर आईआईटी जेईई, एंड द क्वेश्चन इज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Thank you.
की बात करते हैं, है ना, ये किस किसका आ गया पहले का, x इक्वल्स टू टू, दूसरा 3 की पावर 5 किस किस का आया, बिगड़ देखे हाथ क्यों उठा रहे हो, मैंने मैंने तो ये पूछा है ना आपसे, ये किसका आया है, आया तो होगा पक्का, मत उठाओ हाथ, लेकिन आया तो है आपको पता है, पक्का नहीं आया है कभी, अच्छी बात है नहीं आया हूं, क्या आंसर है 5 की पावर 3, ये किस किस का आ गया था, तो दूसरे का आंसर, पहले चौथा तो बहुत देख के समझ में आ गया 1। तो आगे से याद रखना लॉग ऑफ अ नंबर विथ सेम बेस 1 ही होता है, और आज लॉजिकली समझ में भी आ गया कि क्यों होता है, क्यों होता है, 2 की पावर में क्या लगा दूं कि 2 बन जाए 1, तो ये 1 होना चाहिए, x 1 आ गया, चौथे का 1 है, इसका 1 है, ये वाला कितना हुआ 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4, टू प्लस 1 3 बोलो, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, जल्दी बोलो ना, 2 प्लस 1 3 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, किस किसके आई है ये पहले हाथ उठाओ जिस किसके आई है, और जेन्युइनली हाथ उठाया करो, हाँ किस किसके आई है, अभी जिसके साथ उठा थे सबके उठना चाहिए, अगर आप खुद से झूठ मत बोला करो, सही है गलत है, गलत है ये आंसर, बिल्कुल गलत है जिसके ये आंसर आए थे, -1 रखूंगा तो -1 -1 -2, इसलिए क्वेश्चन अलग से बना के दिया मैंने, -1 इज नॉट द आंसर, किसका आया बिल्कुल जेन्युइन बोलो, किसका गलत आया, सिर्फ 3 नहीं, अगर नहीं पक्का बोलना कि -1 पे हमने ध्यान दिया था कि सर -1 नहीं, किस किसने ध्यान दिया है, किस किसका नहीं गया इस बात पे ध्यान, है ना, तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप आंसर निकाल दो, अरे आंसर में चेक करना पड़ेगा कि बेस नेगेटिव 0 और 1 ना हो जाए प्लीज, तो -1 रखने पे बेस क्या बन रही थी नेगेटिव, तो वो आंसर डिस्कार्ड हो गया, है ना, तो तीसरा वाला सबसे अच्छा था, बाकी तो सारे बहुत यूजुअल थे, जो लॉजिकली सोचा जाए तो बहुत आसानी से आपने निकाल ली, है ना, चारों किस किस ने सही कर लिए, फिर 3 तो शायद सबके सही है, एक उसी में गड़बड़ हुई कुछ स्टूडेंट्स, और पता है एक और बहुत मजेदार बात बताऊं, बहुत सारों को 3 पता है क्यों आया होगा, इसलिए झूठ मत बोलना, नहीं सबका नहीं बोल रहा हूं, पर पक्का कुछ लोगों का 3 इसलिए आया था कि सर हमने तो प्लस माइनस लिया ही नहीं, अच्छा हुआ हमने अच्छा हुआ लिया ही नहीं, हमें याद ही नहीं आ कि प्लस माइनस भी लेना चाहिए, तो वो तो और बड़ा गलती है, और बड़ी लेवल की गलती है, तो उस कारण से अगर किसी का 3 आया है तो उसकी तो और बड़ी गलती है, कि वो तो भयानक मिस्टेक करेगा फिर एग्जाम में भी, तो कई बार गलती करके सही आ जाता है ना, हाँ ऐसा वो होगा, है ना, किसके साथ हुआ था बताओ ये देखो ये देख लो, मैंने मुझे पता था, मुझे पता था, क्या आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है ये बात तो इसलिए आप लोगों ने और बड़ी गलती की, है ना, देन ठीक है मजाक की बात अलग, लेकिन ये ध्यान रखो प्लीज, स्क्वायर रूट x स्क्वायर अगर 4 है तो हमें अब यार मुझे फिर से बताओ, अगर x स्क्वायर 4 है तो हम 2 लिखते तो भी तो कुछ सोचते हैं ना, जैसे हमने x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को x इक्वल टू 2 लिखा तो हमने सोचा है ना कि नहीं, तो फिर वो प्लस माइनस 2 के लिए सोचने में आता है ना, ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क की बात है, क्योंकि मैं जानता हूं एग्जाम में गलतियां होती है, और अगर वो अभी नहीं सुधरेगी, सोचो आज हम कम से कम 10 बार इस बात पे बात कर चुके हैं और 50 बार अभी 2 साल में कर चुके होंगे, पर ये गलतियां हमसे ना हो जाए फिर, तो आप लोगों को भी पहले ही हाथ उठाना चाहिए, सर हमारी गलती ही थी क्वेश्चन में, हमारा आंसर आया ही सिर्फ 3, इसलिए हमने 3 लगाया, ऐसा थोड़ी कि हमने -1 डिस्कार्ड कर दिया, अरे -1 निकाल के डिस्कार्ड करना है, तो आपने तो और भयानक बड़ी मिस्टेक की है, समझे ना, तो इसको हंसी में नहीं लेना है, है ना, समझ लो कि ये चीजें हमसे आज आखिरी बार हुई कि हम जब प्लस माइनस नहीं लेते,
बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अब तो नेचुरली हमें आना जाना चाहिए कि प्लस माइनस टू आएगा ही आएगा, नेचुरली आ जाना चाहिए। टू कितने नेचुरली आता है, एक्सक्वायर इक्वल्स टू फोर को एक्स इक्वल्स टू टू कितने नेचुरली आ जाता है, तो प्लस माइनस टू भी वैसे ही हो जाना चाहिए हमारे साथ। ठीक है, तो जिन्होंने निकाल के नहीं हटाया उनका भी गलत है, और जिन्होंने निकाला नहीं उनका तो और ज्यादा बड़ी गलती है। तो सिर्फ वही अपना आंसर सही मानेंगे जिनका ये दोनों आने के बाद चेक करा और फिर भी आया। अब लिखो लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम जिसका काम हमें बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। देर आर मल्टीपल लॉज ऑन लॉगरिथम, जहां भी लॉग यूज कर रहा हूं उसकी बेस में जो भी लिखूंगा वो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव एक्सेप्ट वन। सो दिस इज अंडरस्टूड, और जिसका भी लॉग ले रहा हूं वो भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब जो भी दे रहा हूं वो डिफाइंड चीज दे रहा हूं। तो बार बार ये नहीं लिखेंगे कि जैसे मैंने बेस में सी लिखा है तो बार बार ये नहीं लिखेंगे कि सी पॉजिटिव है और वन नहीं है, ये दिया है मतलब डिफाइंड है, दिया है मतलब डिफाइंड है ना, समझ गए। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, log a plus log b is log ab, log a plus log b क्या होता है, log ab, provided इनकी बेसिस सेम हो, क्या हो, सेम बेस हो, और रिजल्ट भी सेम बेस का ही आएगा। मीन्स यू कैन राइट log 4 विद बेस 2 प्लस log 5 विद बेस 2 एज, जल्दी बोलो, log 20 विद बेस 2, log 4 विद बेस 2 प्लस log 5 विद बेस 2 इज log 20 विद बेस 2, दिस इज द फर्स्ट लॉ। अगर log a को log b से ऐड करोगे दैट बिकम्स log ab। अब क्या करते हैं सर, ऐसा करते हैं सर, आपने सिखाया था कि log a प्लस b log ab होता है, सिखाया ऐसा कहीं मैंने, हाँ सिखाया सर, ये और ये क्यों होता है, लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, पक्का, इसे लॉग अंदर मल्टीप्लाई होता है क्या, पक्का ना, ब्रैकेट में सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर्स, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस और 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, सही है ये, ऐसा नहीं होता, तो लॉग अंदर कोई मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, जैसे लॉग ऑफ ए प्लस बी को लिख दिया लॉग ए प्लस लॉग बी, बोलो समझ में आया, तो ऐसा नहीं करना कि लॉग ऑफ ए प्लस बी को लॉग ए प्लस लॉग बी बोल दिया, ऐसा मैंने कभी नहीं बताया आपको। हाँ मैंने क्या बोला है, नंबर्स के लॉग का सम, सुनना, नंबर्स के लॉग का सम, नंबर्स के प्रोडक्ट के लॉग के, ना कि मैंने ये बोला है नंबर्स के सम का लॉग, ये सम का लॉग है और ये लॉग का सम है, दे आर नॉट सेम। तो मैंने कहीं ये नहीं बताया कि ये होता है, मैंने बताया अगर लॉग ए प्लस लॉग बी दिया है देन दैट कैन बी रिटन एज लॉग ए बी, आई बात समझ में है ना, तो लाइक लॉग 4 प्लस लॉग 5 इज लॉग 20। अब एक मजेदार बात बताऊं, अगर लेफ्ट वाली वैल्यू, जैसे मैंने आपको बोला था जो दूंगा वो डिफाइंड है, तो सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल्स टू वन, ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, बी क्या है, तो ये मैंने आपको दिया है तो आप इसको ये लिख सकते हो। अब मजेदार बात, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, अजीब बात है, मतलब अगर आपको ये दूंगा तो आप ये लिख सकते हो, पर अगर मैं आपको ये दूंगा तो आप इसको ये नहीं लिख पाओगे हमेशा, मतलब मैंने आपको ये दिया तो आप इसको ये लिख सकते हो, मैंने आपको ये दिया तो आप इसको हमेशा ये नहीं लिख पाओगे, कौन बताएगा फिर इसको क्या लिख सकते हैं, जो
जो सही होगा। सोचो, पावर क्या? अच्छा चलो देखते हैं, देखते हैं। मैंने आपको दिया लॉग सिक्स विथ से बेस टू, है ना, मैंने ये दिया आपको। आई कैन राइट सिक्स एज, क्या लिख सकता हूं सिक्को? यही तो प्रॉब्लम है, टू इंटू थ्री तो सब सोच लेते हैं, क्या माइनस टू इंटू माइनस लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? सिक्स को क्या लिख सकता हूं? माइनस टू इंटू माइनस थ्री लिख सकता हूं। तो देखो मैंने आपको दिया लॉग ए बी, ए कौन हुआ? माइनस टू। ए कौन हुआ? और बी कौन हुआ? माइनस थ्री। तो अगर आर एच एस एल एच एस के बराबर होता तो आता फॉर्मूला लॉग ऑफ माइनस टू प्लस लॉग ऑफ माइनस थ्री। ये सही है, ये तो डिफाइंड है। अरे माइनस टू इंटू माइनस थ्री कितना होता है? सिक्स। तो ये तो एक डिफाइंड नंबर है। क्या ये डिफाइंड नंबर, जबकि ये तो अनडिफाइंड नंबर है। आई बात समझ में? इसलिए ये गलती होती है। जब आपको ये दे दें, यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज दिस, बट आपको ये दे दें, यू कैन नॉट राइट दिस एज दिस ऑलवेज, हमेशा नहीं लिख पाओ। कोई सही करो फिर इसको। हाँ कोई बोल रहा था सही, गुड। यहां पे मॉड लगा दो और यहां भी मॉड लगा, आप सही है बिल्कुल। मास्टर स्ट्रोक फॉर IIT JEE। बोलो ना। अरे यहां मॉड ऑफ माइनस टू हो जाता तो क्या हो जाता? टू, और यहां थ्री, है ना। ध्यान रखना ये चीज JEE में पूछी भी है क्वेश्चन में उन्होंने। तो हमें क्या लगता है ये चाहिए? हम देखो आज तक कभी ऐसा होता भी नहीं था ना। हम क्या मानते थे? लेफ्ट इक्वल्स टू राइट है तो ऑब्वियसली राइट इक्वल्स टू लेफ्ट भी होता होगा। ऐसा नहीं होता हमेशा। लेफ्ट इक्वल टू राइट का मतलब लेफ्ट दिया हुआ है तो उसको राइट के इक्वल लिख दो। हम क्या मान के चल रहे कि लेफ्ट वाली चीज आपको दे रखी है और राइट को राइट आपने उसको कन्वर्ट करके लिखा। तो यहां ये दे रखा है, यहां ये दे रखा है, तो उसको ये नहीं लिख सकते। उसको क्या लिखेंगे? ये सही। समझ में आया? पक्का? तो इसका प्रूफ आपका होमवर्क है। पहले वाले लॉ का प्रूफ आपका होमवर्क है। हिंट दे रहा हूं कि नहीं दूं? हिंट दे देता हूं, बस बहुत सिंपल सी हिंट है। इसको एक्स मान लेना, इस लॉग ए विद बेस सी को एक्स मान लेना और इसको y मान लेना, और log की डेफिनेशन यूज करना जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई है, उससे प्रूफ करने की कोशिश करना। काफी आसान प्रूफ है ना, काफी आसान प्रूफ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इससे हमारा काम आसान होगा, ये बुक में नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, पर क्वेश्चंस इतने सारे रहते हैं ना, तो मैंने उसको एज अ लॉ कन्वर्ट, वन ऑफ द मोस्ट यूज लॉ ऑफ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट या टाउ के सबसे ज्यादा यूज में आने वाला लॉ है। कैलकुलस पढ़ेंगे जब ट्वेल्थ में, तब बहुत ज्यादा यूज में आएगा। फॉर कंप्लीट सीरीज ऑफ लेक्चर जॉइन कैटलाइजर और डाउनलोड IIT सफलता ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।